गंगा की स्वच्छता का वादा कर केंद्र की सत्ता पर आसीन हुई मोदी सरकार को 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन गंगा साफ और निर्मल अभी तक नहीं हुई है। तमाम दावे और घोषणाएं हवा हवाई ही साबित हुए हैं। इन सब के बीच हरिद्वार में शुरू हुए नमामि गंगे के प्रोजेक्ट पर जिलाधिकारी विशेष निगरानी रख रहे हैं। वो अब तक किए गए कार्यों की गुणवत्ता बता रहे हैं और गंगा प्रोजेक्ट के फायदे गिनवा रहे हैं। उनके मुताबिक गंगा घाटों को विकसित किया जा रहा है। करीब 50 करोड़ की लागत से ये कार्य होने हैं। इसमें 12 करोड़ रुपए का काम इस समय चल रहा है और माना जा रहा है कि दिसंबर 2018 तक ये काम पूरे हो जाएंगे। देखिए, नमामि गंगे के तहत जो घाट्स के प्रोजेक्ट हरिद्वार में चल रहे हैं, उसमें ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा विजिबल भी, आप देखते हैं, बड़ी अच्छी लोकेशन पे है। ये 50 करोड़ की लागत से इसको बनना है, जिसमें कि 12 करोड़ का खर्चा अभी हो चुका है। इसमें एक हिस्सा तो आपका बेदिंग का है, नहाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए, और एक क्रेमेटोरियम है। दोनों पे ही काम चल रहा है। इसके अलावा इसमें एक हल्का सा आपका एम्फी थिएटर होगा, कुछ शॉपिंग सेंटर्स भी होंगे, ऑडियो विजुअल के लिए भी एक इसमें एरिया है। तो कुल मिला के बड़े मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे ये घाट बन रहा है। वहीं संत समाज गंगा को लेकर केंद्र सरकार के तरफ से किए जा रहे प्रयास को नाकाफी बताकर गंगा की हालत पर चिंता जताई है। बहुत लोगों ने, बहुत सी संस्थाओं ने गंगा के नाम चला करके अपना पैसा कमाया, अपनी राजनीति कमाई है, और गंगा जहाँ की तहाँ है। जो दुर्दशा आज गंगा की है, हमें पहले कभी इसकी दुर्दशा देखने को नहीं मिली। जब तक के मन में ये भावना नहीं होगी हमें गंगा को क्लीन रखना है, इसकी जागृति भी लोगों में पैदा करनी होगी और इसकी तरफ ठोस कदम भी बढ़ाने होंगे। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले गंगा को लेकर किए गए स्वच्छता के वायदे को पूरा करना सरकार के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तय सीमा में गंगा अविरल और निर्मल हो पाएगी। हिमांशु चौहान, APN हरिद्वार।